तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस मैथमेटिक्स क्लास में। यह क्लास 10th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का है और इसमें हम लोग रिलेशन समझेंगे, यानी कि इस रिश्ते का क्या नाम दें, यहाँ पे दो फार्मूला के बीच क्या रिलेशन है। अगर आप फार्मूला के बीच रिलेशन संबंध जोड़ना समझ गए ना, तो समझिए 8.4 चुटकियों का खेल है, बहुत आसान है बाबू। यहाँ समझिएगा, सबसे पहले आपको मेन दो ठो ग्रुप याद रखना है, दो ग्रुप याद रखना है, क्योंकि जब भी हम लोग रिश्ता जोड़ने जाते हैं तो दो ग्रुप रहता है, एक लड़का पक्ष यानी वर पक्ष और एक वधु पक्ष यानी कि लड़की का पक्ष। और ये दोनों में रिश्ता जब जोड़ा जाता है, रिश्ता क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो बीच में एक मेडिएटर अगुआ की जरूरत पड़ती है। तो वही अगुआ मेडिएटर जो होता है, ये दोनों का रिश्ता जोड़ देगा और आपका फॉर्मूला टोटल प्रूफ हो जाएगा। तो समझिएगा वो दो ग्रुप कौन कौन सा है, वो दो घर कौन कौन सा है, जिन दोनों में हमको संबंध बताना है। इस रिश्ते को गौर से समझिएगा। देखिए यहां पर अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है, दो ही ठो तो ग्रुप है, ग्रुप नंबर ये वन मान लीजिए और एक ये मान लीजिए। देखिए कभी भी इस ग्रुप से इस ग्रुप यानी कि दो पक्ष में शादी विवाह तय होता है, तो इस ग्रुप से इस ग्रुप में रिश्ता तय कराना है और इसमें बीच में बिचौनिया का काम कौन करेगा समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास इस ग्रुप का एक साइन है और इस साइन का रिश्ता कराना है इसमें के कॉर्ड से, किसमें कराना है, साइन का रिश्ता कॉर्ड से कराना है, कॉट में बदल, यानी कहने का मतलब है कि साइन को कॉट में बदल देना है, तो क्या कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा जब साइन को कॉट बदल, तो यहाँ देखेंगे कि साइन का रिश्ता कॉट से जब हम लोगों को कराना है दोनों को, तो कोई ऐसा एक इसमें नाम है, एक कोई ऐसा नाम जो साइन के साथ भी हो कॉस के साथ भी, यानी साइन को भी जानता हो और कॉस को भी जानता हो। तो यहाँ देखिए साइन जानता है कॉसिक, यहाँ पे देखो तो साइन को कौन जानता है कॉसिक, क्योंकि साइन और कॉसिक साथ में है, और यहाँ देखो कॉट, कॉट यहां लिखा है, कॉट के साथ भी एक बार क्या है कॉसेक है, यानी दोनों के साथ कॉसेक यहां पे है, यानी कॉसेक थीटा से अगर बीच में आ जाए तो दोनों का जान पहचान होगा तो रिश्ता हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर यहां से निकाल सकते हो वन बटा कॉसेक थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा यहां से क्या हो जाएगा वन बटा कॉसेक थीटा, और बराबर वन बटा कॉसेक थीटा। अब यहां से तो ये यहां तक चले गए, अब यहां से निकाल लो कॉसेक थीटा, एक बार यहां से कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो कॉसेक थीटा होता है अंडर रूट वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया कि नहीं। तो साइन किस में बदल गया, कॉट में बदल गया। हम क्या किए, पहले साइन को किस में बदल दिए कॉसेक में, और कॉसेक को बदल दिए कॉट में, यानी कि स्टेप बीच में ये रहे साइन को कॉसेक में, और कॉसेक जो भी हमको मिल गया तो किस में बदल दिए कॉट में, साइन कॉट में बदल गया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही कह रहा था कि साइन ए सेक ए और टेन ए ये तीनों को बदलिए किस में, कॉट में बदलिए, तो साइन को तो हम बदल दिए, अब सेक को बदल रहे हैं, किसको बदल रहे हैं, सेक को बदलना है कॉट में, सेक ए को। तो यहां देखिए एक बार इस ग्रुप में देखिए, एक बार इस ग्रुप में, सेक को बदलना है जब हमको कॉट में, तो देखिए सेक यहां पे रिश्ता किसके साथ है, टेन के साथ, और यहां पे सेक किसके साथ है, सॉरी सेक है टेन के साथ, यानी सेक किसको जानता है टेन को, और टेन किसको जानता है कॉट को। तो यहां देखिए ये दोनों में रिश्ता हो सकता है कि नहीं, सेक टेन का दोस्त है, समझिएगा एक लड़का है सेक जो टेन का दोस्त है, और टेन का दोस्त किसका है, टेन का दोस्त का नाम भी कॉट है, यहां समझिएगा टेन सेक टेन का दोस्त है और टेन का दोस्त क्या है कॉट भी है, तो ये भी तो दोनों एक दूसरे का दोस्त बन सकता है। तो यहां से सेक थीटा बराबर आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं अंडर रूट वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक का फॉर्मूला क्या होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यही फॉर्मूला क्यों लगाए, क्योंकि सेक को बदल दो टेन में और टेन जानता है कॉट को, और टेन थीटा बराबर यहां पे क्या हो जाएगा वन बट्टा कॉट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये उतार दिए ये उतार दिए, टेन थीटा का यहां से फॉर्मूला लगा दिए, ये नीचे आ गया वन बट्टा कॉट, तो ये भी बदल गया कि नहीं। यहां देखिए सेक भी बदल गया किसमें, कॉट में, यानी इसमें कॉट आ गया कि नहीं, तो यहां पे हटाओ, उसके बाद से साइन भी किसमें बदल गया कॉट में। अब बच गया ये हो गया आपका एक नंबर ये वाला, दो नंबर टेन को भी कॉट के पद में लिखना है, तो ये तो यही से मिल जाएगा, टेन तो कॉट को जानता ही है, तो डायरेक्ट यहां पे हो जाएगा टेन ए बराबर वन बट्टा कॉट ए, यानी कि एक बट्टा कॉट ए कहीं लिखे या फिर टेन लिखे, ये दोनों एक दूसरे से क्या होता है बराबर। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि साइन ए से के और टेन ए को कॉट में बदल दीजिए इस रिश्ते के अनुसार। तो देखिए ट्रिक याद रखिएगा, एक बार इसमें देखेंगे एक बार इसमें देखेंगे, ठीक है। एक बार मान लीजिए कुछ देर के लिए कॉस को हम लोग बदल दिए सेक में,
किसमें बदल दिया, सेक के पास चला गया। और यहाँ सेक किसमें बदल सकता है, टेन में। अब चाहो तो टेन कॉट में बदल सकता है। तो रिश्ता जोड़ते हैं एक दूसरे से, क्या करते हैं रिश्ता। यहाँ से यहाँ गए, फिर सेक, सेक इसमें देखेंगे, सेक टेन में है, टेन किसमें है इसमें आएंगे तो टेन कॉट में है, कॉट किसमें है तो कॉट एक बार इसमें आएंगे कॉसेक में। सब एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ है रिश्ता, सब एक दूसरे से क्या हुआ है जुड़ा हुआ। तो ये आपका एक नंबर का आंसर हो गया, जिसमें कि फर्स्ट वाला साइन वाला ये वाला हो गया, ये वाला हो गया सेक वाला, और ये वाला हो गया टेन वाला। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, प्यार से समझिएगा, बहुत आसान है। एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए, यानी सेक में बदल देना है। त्रिकोणमिति में जितना नाम होता है ना उसको सबको किस में बदल देना है, सेक में, यानी सबका रिश्ता सेक से करा देना है। यानी नाम कितना होता है, नाम होता है साइन ए का एक लेना है, कॉस होता है, उसके बाद से टेन होता है, सब में ए होना चाहिए ए वाला, उसके बाद से कॉसेक होता है, उसके बाद सेक होता है, उसके बाद कॉट होता है, इस सभी को सेक में बदलना है। तो ये तो नहीं बदल सकता, सेक सेक में कैसे बदल सकता है, खुद का रिश्ता खुद के साथ कैसे हो सकता है, ठीक, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। पहले साइन को बदलते हैं सेक में। आप देखिएगा फॉर्मूला, साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है वन, उसके बाद से कॉस थीटा और सेक थीटा, यही ना फॉर्मूला था, वन होता है, उसके बाद से होता है टेन थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा मिला के वन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन, उसके बाद हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। दो ये ग्रुप ये हो गया और दूसरा ग्रुप ये हो गया। समझिएगा, साइन को बदलना है, रिश्ता कराना है सेक के साथ, साइन का रिश्ता किसके साथ कराना है, सेक के साथ कराना है। तो यहां देखिए, तो साइन एक बार किसमें बदल दीजिए, साइन को बदल दीजिए आप, साइन को बदल दीजिए कॉस में, और कॉस को बदल दीजिए सेक में, आराम से इजी वे में बन जाएगा, साइन को कॉस में और कॉस को सेक में, क्योंकि साइन कॉस के साथ है और इसमें कॉस सेक के साथ है। तो उपाय क्या है, यहां से साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो ये बटा में आ जाएगा वन बटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे बटा का जोड़ करना है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या बोल रहा है, साइन को बनाते बनाते ला दीजिए सेक, तो साइन का आ गया सेक, बटा का जोड़ कीजिए तो भी भला, नहीं कीजिए तो भी भला, ठीक है। कॉस को बदलना है, कॉस सेक में कैसे बदलेगा, इसको भी सेक में, क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक में बदलना है, तो डायरेक्ट कॉस सेक के साथ होता ही है, तो डायरेक्ट यहाँ कॉस थीटा बराबर, यानी कॉस ए होगा जी, यहाँ सब जगह ए डाल लीजिएगा, कॉस ए बराबर क्या होता है वन बटा सेक थीटा, ये तो फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। सब फॉर्मूला ऐसे ही खेलना है, टेन को बदलना है किसमें, सेक में। उपाय क्या है, टेन यहाँ पे देखिए तो टेन तो खुद ही सेक के साथ है, तो उपाय यही है कि फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, इसको है तो ये माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ई वन को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में वन बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सिर्फ टेन बोला है ना, टेन थीटा का मान निकालना है, तो स्क्वायर जब ये हटाइएगा ना इधर भेजिएगा तो ये रूट में हो जाता है, तो टेन भी किस में बदल गया, सेक में बदल गया। अब क्या हो गया, कॉसेक वाला, ये कॉसेक को बदलना है, तो कॉसेक यहाँ पे है, कॉसेक को बदल दीजिए, चाहे यहाँ पे है कॉसेक, कॉसेक को बदल दीजिए साइन में, और साइन को बदल दीजिए कॉस में, देखिए यहाँ पे कॉसेक के साथ साइन है, इसमें आइए साइन, साइन के साथ कॉस है, फिर कॉस के पास जाइए, कॉस के साथ सेक है, इतना लंबा रिलेशन है। अगर इधर से भी देखें तो कॉसेक के साथ कॉट है, तो कॉसेक से रिश्ता है कॉट का, और कॉट का रिश्ता है किससे साथ, टेन के साथ, और टेन का यहाँ पे रिश्ता है सेक के साथ, तो ये भी बन सकता है। चलिए यहाँ से निकालिए, कॉसेक वाला निकाल रहे हैं, सी ओ ए सी, कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हो जाएगा वन, कॉट को बदल दीजिए टेन में, तो वन बटा टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस वन बटा, और टेन को बदल दीजिए अब सेक में, तो टेन को सेक में बदलिएगा, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए तो टेन थीटा बराबर अभी लिखे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो देखिए कॉसेक से चले क्या आ गया, सेक आ गया, तो ये तो सेक में सेक नहीं बदल सकता है, वैसे ही अगर बदलना हो कॉट को तो ये भी बन सकता है, यहीं से बदल दीजिए कॉट थीटा, कॉट थीटा को टेन थीटा बदल दिए, टेन को देखिए कॉट थीटा को बदल दीजिए टेन में, टेन को कॉट थीटा को टेन में, और टेन थीटा को सेक में, तो यहाँ देखिए
कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, 1/10 थीटा का मान कितना होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो ये भी कॉट किसमें बदल गया, सेक। तो देखिए सब तरह से शुरू करना है सेक पर रुक जाना है, सब तरह से शुरू करना है सेक आ गया। इससे सेक यहाँ पे देखिए तो ये वाला हम शुरू किए थे टेन थीटा को सेक में बदल दिए, सब में लास्ट में आंसर क्या आया है सेक ही आया है, सेक ही आया है। यहाँ देखिए तो सब जो जितना से भी शुरू किए सब में क्या है सेक ही आया है, इसमें भी सेक आया है, इसमें भी सेक आया है, तो सबको सेक में बदलते। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको इसलिए टफ लग रहा होगा ना बता रहे, क्योंकि आपको इस पर कमांड नहीं है, रिश्ता पर कमांड नहीं है, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूला को डीपली समझिए, इसके पीछे वाला जो वीडियो फॉर्मूला का दिया गया था इससे जस्ट पीछे वाले का पीछे वाला, ठीक है। तो जा करके देखिएगा ना, बड़ी आसान है, मतलब त्रिकोणमिति से प्यार हो जाएगा, समझ जाओ इतना आसान को, मतलब बहुत ईजी वे में ट्रिक बताया गया है, ट्रिक का एक तरह से जादू है वो, पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला डायरेक्ट दिमाग में बैठ जाएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।